तो ये नोट करें एक बार, अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें। सपोज करो आपके पास एक डिस्क है, लिखें यहां पे एक डिस्क है, ठीक है, लिखें साथ साथ, प्लीज नोट करें, ये लिखा नहीं हुआ आपके असाइनमेंट में। एक डिस्क है और लिक्विड की सरफेस के ऊपर डिस्क पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी हुई है, प्लेट पड़ी हुई है, तो एक डिस्क है, ठीक है। डिस्क का रेडियस क्या है, आर है, और डिस्क की जो फोर्स है, सरफेस टेंशन क्या है, सिग्मा है, गिवन है। जब आप इस पड़ी हुई डिस्क को उठाएंगे ना हवा में, तो डिस्क को उठाना इतना आसान नहीं है। जब नीचे पानी होता है ना, तो पानी चिपका होता है, तो आपका जोर लगता है एक्स्ट्रा। आप सूखे टेबल के ऊपर अगर आप डिस्क को उठाएंगे, आराम से उठेगी, तैरती हुई डिस्क को उठाएंगे तो पानी चिपका हुआ मिलेगा, थोड़ा और जोर लगेगा, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगी क्या, सिग्मा इंटू कितनी, लेंथ। सरफेस टेंशन इज फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स इज सरफेस टेंशन इंटू। तो क्वेश्चन है कितनी फोर्स एक्स्ट्रा लगेगी आपको उसको उठाने के लिए, तो आपको क्या निकालनी है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकालनी है। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी लगती कहां है, जब वाटर के साथ एयर इंटरफेस में, वहां लगती है। प्लेट के डिस्क के नीचे पानी ही पानी है, वहां नहीं लगेगी। डिस्क के कॉर्नर देख रहे हो, इन कॉर्नर्स पे पानी के मॉलिक्यूल भी हैं और एयर भी है। और इमेजिन कर सकते हो, जैसे वो मॉस्किटो बैठा था, उसने फिल्म को टेढ़ा कर दिया, डिस्क ने भी तो टेढ़ा कर दिया होगा, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ लगती है। मॉस्किटो पे ऊपर लगी थी, नीडल पे ऊपर लगी थी, इसके ऊपर भी ऊपर लगेगी, कितनी लगेगी, फोर्स सिग्मा इंटू लेंथ। क्या लें, किन मॉलिक्यूल्स पे काम करना है हमें, मैंने क्या बताया, वो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल कॉर्नर पे एयर के इंटरफेस में है। ये देखो, ये यहां पे ये वो पानी के मॉलिक्यूल हैं जो डिस्क के साथ लगे हुए हैं और साथ में एयर भी इनके साथ। तो इमेजिन करो ये डिस्क नहीं है, ये मॉस्किटो है, तो ये लेयर को टेढ़ा कर देगा, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर ही आएगी। तो वैसे तो टेढ़ी आती है, पर नेट फोर्स कहां आएगी, ऊपर आएगी। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कहां आएगी, ऊपर आएगी, नेट फोर्स। नेट फोर्स एक एक फोर्स ने ड्रॉ करके दिखा रहा, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। तो नेट फोर्स की वैल्यू में लेंथ पता है क्या लेंगे, 2πr। तो न्यूमेरिकल आएगा, डिस्क के कॉर्नर्स पे लेंथ क्या है, पूरा सर्कमफेरेंस कितना, 2πr। तो 2πr पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या लगेगी, सरफेस टेंशन इनटू 2πr। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। जैसे इसी के अंदर केस नंबर 2 लिखें, मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर एक एनुलर डिस्क गिवन है। एनुलर डिस्क का मतलब है कटी हुई डिस्क, एक कटी हुई डिस्क है, सच दैट इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1 है, और ये खाली है, खाली है। डिस्क के अंदर जो मटेरियल है बस यही यही मटेरियल है। तो ये डिस्क फिर से एक बार फ्लोट कर रही है लिक्विड के अंदर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर, सॉरी अंदर नहीं, गेरी। तो मेरे को, और सरफेस टेंशन सिग्मा है, तो फिर से मुझे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकालनी है। तो लेंथ बोलो क्या लगेगी, इस बार लेंथ क्या लगेगी, ये मॉलिक्यूल जो हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एयर के कांटेक्ट में है, क्योंकि यहां भी लिक्विड है ना, यहां भी लिक्विड ही होगा, कटी हुई है ना डिस्क, लिक्विड है, तो ये मॉलिक्यूल लिक्विड के और एयर के इंटरफेस में है। तो यहां पर लेंथ क्या है इसकी, 2πr1। साथ में ये मॉलिक्यूल की भी सेम स्टोरी है, क्योंकि ये भी क्या करेंगे, ये भी लिक्विड और एयर के इंटरफेस में है कॉर्नर पे, तो लेंथ क्या है, 2πr2। तो टोटल फोर्स क्या होगी, सिग्मा इंटू 2πr1 प्लस 2πr2, नेट फोर्स इसके इक्वल होगी। ठीक है यहां तक, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है, अब वो देखें, जहां लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास एक रिंग है, एक रिंग है, तो मान लो एक रिंग है, और रिंग अगेन एक लिक्विड की सरफेस के ऊपर है, ये लिक्विड है, इधर भी लिक्विड, इधर भी लिक्विड है। अब रिंग का ये केस है कि रिंग का अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अंदर का रेडियस अगर आर है, तो बाहर का आर प्लस डी आर है, पर डी आर बहुत छोटा है, कैन बी निगलेक्टेड, तो एवरेज रेडियस अंदर बाहर का सेम ही ले लेते हैं आर। तो अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या लगेगी, बोलो, सिग्मा इनटू अंदर का सरकमफ्रेंस 2πr, बाहर का सरकमफ्रेंस भी
एनुलर डिस्क वाला काम कर रहा है, सेम, अंदर का रेडियस अलग है और बाहर का अलग है वो आर और आर। अब रिंग के अंदर आर वन आर टू लिया नहीं जा सकता ना, रिंग में तो आर और आर ही लेंगे, तो आर और आर के हिसाब से ये करेंगे। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सिग्मा इंटू, क्या करेंगे, सिग्मा इंटू टू पाई आर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन रिंग के आएंगे और क्वेश्चन रिंग का ही आएगा उसमें टू लगा होगा। तो लोग आते हैं सर देखना ये टू क्यों लगा रहा है यहाँ पे, समझ में आया टू क्यों लगा रहे हैं, अंदर भी आ रहा है और बाहर भी आ रहा है, समझ में आ रहा है यहां तक। एक और क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग, मिलेगा आपको। देखो सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपके पास वो देगा एक क्यूबॉइड दे देगा, ठीक है, एक क्यूबॉइड लिक्विड के अंदर तैर रहा है, इतना पोर्शन लिक्विड के अंदर है इसका, ये पोर्शन लिक्विड के अंदर है, ये लो, ठीक है, सच दैट ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो एल है, विड्थ इसकी बी है और हाइट इसकी यहां से यहां तक एच है। सरफेस टेंशन लिक्विड की सिग्मा, फिर से एक बार फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकाल लें, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ से। बोलो लेंथ क्या ले, अगर क्यूबॉइड तैर रहे तो लेंथ क्या लेंगे इसमें, क्या ये लेंथ लेंगे, ये क्यूबॉइड तैर रहे, ये लेंथ लें, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, पेरीमीटर। जब रिंग में पेरीमीटर, हमने वो मॉलिक्यूल लेने हैं ना जो पानी के इंटरफेस में है, फ्री सरफेस, ये और पीछे वाला, तो पता है क्या आएगा, टू इंटू तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो टू इंटू एल प्लस बी आंसर। पेरीमीटर लेंगे ना, ये वाला पोर्शन पानी के मॉलिक्यूल में से तैर रहा है ये वाला, तो एल प्लस बी एल प्लस बी, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है यहां तक।